Hi guys, I am Manish Pandey from PN Institute. I welcome you to my Maths channel. तो अपने जो पुराने लेक्चर चल रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. या क्वेश्चन किस टाइप से होंगे, ऐसा दिया होगा tan inverse this, prove that this is equal to कुछ हाफ tan inverse x, कुछ भी दिया होगा. सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये छोटा हो जाएगा कुछ, राइट? मतलब जनरली क्या होगा, प्रूव डेट करके क्वेश्चन होंगे, प्रूव डेट दिस इज इक्वल टू दिस, या राइट सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा होगा तो आपको सिंपल करना है. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म की सेकंड टाइप. फर्स्ट टाइप तो थी कॉज इनवर्स कॉज एक्स वाली. सेकंड टाइप में क्या था, मैंने कहा था ये वाले सब्स्टिट्यूशन आपके यूज में आएंगे. पिछली क्लास में बताए थे मैंने, नहीं याद है मैंने आपके साइड में लिख दिया है. वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा या कॉट थीटा भी कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा है तो एक्स को सेट थीटा या कॉजेक थीटा कर सकते हैं. और अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स को साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं. 99% ही वर्क करते हैं, और बोर्ड में तो मुझे लगता है 100% वर्क करेंगे. तो क्वेश्चन दिया है हमको सिंप्लीफाई करना है, तो हमें दिखाई दिया कुछ भी नहीं, सिर्फ कुछ बहुत ईजी 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा. सॉल्यूशन में क्या करोगे, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा. जहां एक्स लिखा है वहां टेन थीटा लगा दो, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, पूरा टेन इनवर्स के अंदर रूट के अंदर लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, बराबर है. तो 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा बच्चों, सेक स्क्वायर. फॉर्मूला याद है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, टेन इनवर्स रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, राइट. अब हमारा जे होता तो हम सोचते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर रूट से अगर आदमी बाहर आता है तो एक्स आता है या माइनस एक्स आता है. लेकिन बोर्ड का क्वेश्चन ज़्यादा सोचना मत, सेक स्क्वायर थीटा का रूट क्या है, सिंपल सेक थीटा लिख देना, ठीक है. टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा. अब क्या किया जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन जब भी बनेंगे जब टेन इनवर्स टेन बने, साइन इनवर्स साइन बने, कॉज इनवर्स कॉज बने. अगर साइन इनवर्स टेन बनेगा कोई फायदा नहीं होगा, मैं मेरी बात समझो. अगर ये सॉल्व होके वाला पार्ट जो है टेन इनवर्स साइन बन गया कोई फायदा नहीं है. टेन इनवर्स टेन बने या टेन इनवर्स कॉट बने दोनों में चल जाएगा, देखते हैं क्या बनता है. सेक को लिखेंगे वन अपॉन कॉस, टेन को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस. तो टेन इनवर्स थोड़ा छोटा छोटा लिख लेते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. क्लियर सबको, राइट. अब हम यहां से आ जाते हैं अपने थोड़ा इधर, कहां जाते हैं बोलो, कहां जाते हैं बोलो, हम आ जाते हैं कहां पर, राइट, यहां से इधर आते हैं थोड़ा सा, राइट. क्या होगा, टेन इनवर्स कितना, एलसीएम लोगे तो वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो क्या होगा, ये टर्म कट जाएंगे, क्या बचेगा, टेन इनवर्स वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. अब जिसको मालूम है वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या बनेगा, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. अब जिसको मालूम है वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, वो एकदम एकदम आंसर लिख देगा. क्या होता है, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बाई टू. वन याद कर लो ऑब्जेक्टिव के लिए, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बाई टू. नहीं तो फिर वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, क्या लिखोगे, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू. क्या लिखोगे इसको, टू साइन स्क्वायर. ये फॉर्मूला जनरली बच्चों को नहीं लर्न होता है, मैं यहाँ स्टार लगा दे रहा हूँ, सुन लो सब लोग, राइट, यहाँ मैं स्टार लगा दे रहा हूँ. ये फॉर्मूला जनरली बच्चों को नहीं याद होता है, क्या, वन माइनस कॉस थीटा को क्या लिखना है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और साइन थीटा को क्या लिखोगे, टू साइन थीटा बाई टू. क्या लिखेंगे, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू. क्या किया, समझ में आया, यहीं पर गड़बड़ी होती है बच्चों से, इनवर्स को तो कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में गड़बड़ होती है. क्या कर रहे हैं, बात सबकी समझ में आ गया ना, ठीक है. हमने क्या किया, दोनों हाफ एंगल फॉर्मूले लगाए, वन माइनस कॉस थीटा का टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू. टू से टू गया, साइन से एक पावर कटेगी तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू. साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू क्या होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू. तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज थीटा बाई टू. और थीटा क्या था बताओ, थीटा क्या था, टेन थीटा एक्स था. थीटा कितना होगा, टेन इनवर्स एक्स. तो यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर, फाइनली हाफ
क्या आंसर आ जाएगा, हाफ टेन इनवर्स एक्स. तो दिस विल बी सिंप्लीफाइड इन हाफ टेन इनवर्स एक्स. बातें क्लियर हैं, पक्का? नहीं तो एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, यहां से फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं. देखो क्या आ गया था हमारा टेन इनवर्स, हम पहुंच गए थे यहां पर टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा. क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री शुरू होगी. अब इनवर्स टिको बच्चों खत्म हो गई है. टेन इनवर्स सेक थीटा को लिखोगे वन अपॉन कॉस थीटा माइनस वन, टेन थीटा को लिखोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. एलसीएम लोगे टेन इनवर्स कितना होगा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक है, कॉस कॉस कट गया, क्या बचेगा टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है, अब यही गड़बड़ी होती है, बच्चे यहां के रुक जाते हैं. दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा. यहां लिख देता हूं मैं आपके लिए, दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयं मैं रेड में लिख देता हूं. वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू. बात समझ में आ रही है? तो वन माइनस क्या करेंगे आप लोग, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा को लिख दोगे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू. साइन थीटा का हाफ एंगल टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू. साइन थीटा का हाफ एंगल क्या होगा, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू. बराबर, टू टू गया, साइन से साइन गया, क्या बचेगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू. क्लियर है, ये हो गया टेन इनवर्स कितना टेन थीटा बाई टू. बच्चों ये आ गया कितना, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू हो जाता है, कोई कंडीशन नहीं है, बोर्ड का क्वेश्चन है. अब थीटा बाई टू क्वेश्चन एक्स में था, शुरू में हमने क्या पुट किया था, हमने पुट किया था टेन थीटा इजकल टू एक्स. तो थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स. तो लास्ट में वन बाई टू अलग कर दो, थीटा की वैल्यू यहां से लगा दो टेन इनवर्स एक्स. तो फाइनली जो एक्सप्रेशन गिविन था, टेन इनवर्स रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, हाफ टेन इनवर्स एक्स बन गया. क्लियर है सबको? तो मेन इंपॉर्टेंट बात मैं क्या कहूंगा आपको इस क्वेश्चन में, वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला याद करो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला याद करो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, साइन थीटा का हाफ एंगल याद करो टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू. और एक बात और कहना चाहता हूं, उसे भी राइट में लिख देता हूं मैं आपके लिए. ठीक है, वन माइनस ये ऑब्जेक्टिव में लगाना डायरेक्ट, कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई टू हो जाएगा डायरेक्ट. कहीं लिखा है वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाई टू हो जाएगा. ठीक है, डायरेक्ट लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में लगाना भी चाहिए आपको, इजी है. बात समझ में आ गई है? तो आई थिंक आपको एक ये क्वेश्चन क्लियरली, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया है. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में अभी और कुछ क्वेश्चन लूंगा इस टाइप पर, मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन लूंगा. तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय स्टूडेंट.